संपूर्ण कुरुकुल का एकमात्र कुल दीपक अवशिष्ट बचा था। कुंती का जरा शब्द सुनो, कौरवों का कुल दीपक, कुरुवंश का कुल दीपक, पांडु वंश नहीं कर कुल कौरवों का कुल दीपक, संपूर्ण कुरुकुल का एकमात्र दीपक अभिमन्यु का तेज उत्तरा के गर्भ में मर ही जाता, ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा। आप उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रवेश कर ब्रह्मास्त्र से मेरे प्रपौत्र की आपने रक्षा की। क्या आप यदि नहीं होते तो मैं अपने प्रपौत्र का मुख देख सकती, मैं परीक्षित को भला देख सकती थी? नहीं नहीं नहीं। तो जब जब विपत्ति पड़ी है प्रभु, तब तब आपकी कृपा हुई, आपका दर्शन मिला। इसलिए कुंती अपना ये आंचल फैला करके हे कृष्ण यही मांग रही है, इस आंचल में मुझे विपत्ति दो कृष्ण, विपत्ति दो, विपत्ति दो, विपत्ति दो, क्योंकि जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आपकी कृपा मिली, आपकी कृपा। कृष्ण की आंखें भी भीग गई। कुंती बुआ, तुम्हारे जैसा वर आज तक सृष्टि में किसी ने नहीं मांगा। प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्त हुए, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद ने भी ऐसा वर नहीं मांगा। इतने अवतार लेते लेते अब तक मैं इसके पूर्व भी 21 अवतार ले चुका, उन 21 अवतारों में किसी ने भी मुझसे ऐसा वर नहीं मांगा है। बुआ, ये तुम क्या मांग रही है, उसका कुछ भी अर्थ समझती है? हाँ कृष्ण, समझती हूँ, समझ करके मांग रहे, क्योंकि जब जब विपत्ति पड़ी है तब तब तुम साथ हो, और जब जब तुम साथ हो तब तब कोई बाल बांका भी नहीं कर सका है। मार जाको राखे साई, मार सके नहीं कोई, बाल भी बांका कर सके जो जग बैरी हो। विपत्ति, वह विपत्ति भी प्रभु संपत्ति है, जिस विपत्ति में तुम साथ हो। इसलिए विपदा संतु न सस्वत यत्र यत्र जगत गुरु हो, हे जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अब कब दर्शन होगा, अब कब दर्शन होगा? कृष्ण के संयोग में ही कुंती वियोग का अनुभव करने लगी और मानो निवेदन करने लगी, दर्शन दो। अखिया प्यासी रे कृष्ण घनश्याम उतर पड़े, अखिया प्यासी रे। इधर कृष्ण के दर्शन की लालसा में पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े पड़े कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अखिया प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। इधर कुंती की प्यास बढ़ गई, उधर पितामह भीष्म की प्यास। इधर इधर से कृष्ण जा रहे हैं और उधर कृष्ण की प्रतीक्षा हो रही है। एक तरफ पितामह भीष्म, दूसरी ओर द्वारिका। जगत तेरी मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कब न निरखी सूरत तेरी, युग बीते अब आई मिलन की, युग बीते अब आई मिलन पूरन मासी रे। दर्शन दो घनश्याम,
मत वाला मांगे तुमसे प्यार तुम्हारा बार खड़ा नरसी मत वाला मांगे तुमसे प्यार तुम्हारा निज चरणों का दास बना लो प्रभु चरणों का दास बना लो हे अभिनाशी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो मने दर्शन दो मने दर्शन दो घनश्याम आज मोरी किनकी किनकी आंखें प्यासी है आंखों में प्यास हो तब न दर्शन मिलेंगे इधर द्वारिका निवासी उधर सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म इधर कृष्ण अब जा रहे हैं अतः संपूर्ण हस्तिनापुर निवासी सबकी आंखों में प्यास है मुझे छोड़ के जा रहे हैं कितना आंखों में भर लो आंखों में मानो जिह्वा निकल आई क्योंकि प्रेम की जिह्वा आंखों में होती है मानो जिह्वा से हस्तिनापुर निवासी बाल वृद्ध बनिता झरोखों से खड़ी नवंगनाएं भी कृष्ण का रथ पर बैठे हुए गमना गमन सौंदर्य का दर्शन करने के लिए इनकी भी आंखें आकुल हैं बुआ कुंती अपलक निहार रही है मानो इनकी आंखें पत्थर आ गई हो पत्थर सी हो गई पलके झपकती नहीं देवी की तरह देवताओं की भी पलके झपकती नहीं कुंती कोई सामान्य नारी नहीं जिनके पेट से साक्षात देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ वायु नंदन भीष्म हुए भीम हुए नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार है अर्जुन इंद्र के अंश से पवन के अंश से भीम का प्रादुर्भाव होता है सूर्य साक्षात अपने अंश से कर्ण का जन्म ऐसी कुंती ऐसे देवताओं के तेज को धारण करने वाली नारी कोई सामान्य नहीं असामान्य नारी होगी तभी उसके गर्भ से कोई असामान्य पुत्र जन्म लेता है